जय श्री केदार दोस्तों, प्री मानसून की बारिश शुरू होते ही केदारनाथ धाम और चार धाम यात्रा में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया है, भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और खबर के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही बारिश बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही जो भी भूस्खलन जो डेंजर जोन है, भूस्खलन के लिए माने जाने वाले डेंजर जोन सक्रिय होने लगे हैं। काफ़ी जगह पर पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि केदारनाथ धाम में मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। फिलहाल अभी तक 92 मौतें हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ धाम में, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हुई है गौरीकुंड की खाई में गिरने से। साथ ही साथ एक जने की मृत्यु हुई थी केदारनाथ धाम में, पत्थर से चोटिल होने पर मृत्यु हुई थी। उसके अलावा बाकी की सारी मौतें हृदय गति रुकने के कारण ही हो रही है। आने वाले 7 दिनों के लिए रेड अलर्ट को जारी किया गया है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि आप मौसम की अपडेट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करें यात्रा की, और जो कि यात्रा में जरूरी सामान होता है वो अपने साथ अवश्य रखें। दोस्तों, पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम में बारिश का दौर चल रहा है। कभी हल्की से मध्यम तेज बारिश और कभी बहुत तेज बारिश के साथ में ओले भी गिरते देखे गए हैं। ऐसे में ठंड भी बढ़ गई है और वहां का तापमान जो रात्रि का तापमान होता है बहुत ही अत्यधिक कम हो जाता है। हालांकि यात्रा में कमी आई है क्योंकि अब तक 35 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं केदारनाथ धाम के, तो इस वक्त जाने वालों की संख्या कम हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक चीज़ों की कठिनाई शुरू हो गई है, जैसे कि पहाड़ी से पत्थर गिरते हुए मिलेंगे आपको। अगर आप रुद्रा पॉइंट के आसपास हैं तो बहुत ही संभल कर यात्रा करें। राजस्थान के एक मार्बल व्यापारी केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद जब लौट रहे थे तो रुद्रा पॉइंट पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से वो उसकी चपेट में आ गए और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। साथ में उनका परिवार भी घायल हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो दोस्तों, आप रुद्रा पॉइंट के आसपास अगर हैं तो बहुत ही सतर्कता से आपको यात्रा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बारिश के साथ साथ पहाड़ों से पत्थर गिरना और जो डेंजर जोन है वहाँ पर भूस्खलन होना बहुत ही आम सी बात है। यात्रा में कमी आने की वजह से काफ़ी संख्या में भीड़ कम हो गई है। अगर आप इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर होटल के रेट भी काफ़ी चेंजेस में देखने को मिलेंगे, यानी कि उनकी होटल की रेट भी काफ़ी कम हो गई हैं। खाना भी थोड़ा फिलहाल पहले से कम रेट में मिल रहा है। तो अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी यात्रा बजट फ्रेंडली हो। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो फिलहाल का मौसम है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में डेंजर जोन भी एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप यात्रा करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में यात्रा करें, और अगर यात्रा बेहद ही ज़रूरी है तो ही यात्रा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट में नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय श्री केदार। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय मां गंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।